तीन तलाक पार्ट टू। अगस्त 2017 में हमारे मोदी जी ने तीन तलाक का मुद्दा उठाया था, जो 1400 साल पुरानी प्रथा को गलत करार दिया था और सरकार से कानून बनाने को कहा था। 19 सितंबर 2018 में लागू हुआ था कानून के तहत तीन तलाक बोलना गैर कानूनी कर दिया गया था। जय हो हमारे मोदी जी की। देश में मुस्लिम युवाओं को उनकी कुरान अपनी गलतियों की सीखने में कई मौके देती है। अगर वो नहीं सीखते तो इसमें बेचारी लड़की का क्या कसूर है? क्यों वो तलाक की दोषी हो जाती है? जो भी तीन तलाक का पक्षधर है वो मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है। तीन तलाक के चलते हमारी मुस्लिम बहनों पर अत्याचार कई पीढ़ियों से होता आ रहा है। हर मुस्लिम बहनों के आंसुओं को पोंछने के लिए हम तीन तलाक बिल लाए हैं। वहीं कभी भी कांग्रेस की नीयत की नहीं थी कि वो उसे एक्सेप्ट करे। तीन तलाक का कश्मीर कनेक्शन ऐसा हुआ तो वहाँ की भी बेटियाँ बोलेंगी मोदी मोदी। मुस्लिम बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग तो उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट समझते हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। अब तो मोदी जी का राज है। ये फैसला लेने से मोदी जी का आज जमीन से लेकर आसमान तक हमारे भारत का हो रहा है गौरवगान है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है तो अल्लाह ने तलाक शब्द का निर्माण ही ना करना था। तलाक सिर्फ मोहब्बत को ही खत्म नहीं करता, उस लड़की के अस्तित्व को भी खत्म कर देता है। अब सब रीति रिवाजों को भी, जहां साथ साथ जन्मों के वादे थे वो सब अंधकार हो जाते हैं। जहां शोहर कह देता है तलाक तलाक तलाक। जय भारत।